एक शख्स बड़े कारखाने में काम करता था। चाहे बाहर गेट पर बैठा चौकीदार हो या बॉस, उसकी आदत थी कि वो आते जाते सबको सलाम करता। एक दफा छुट्टी का वक्त था और सब काम करने वाले लोग घरों को जा रहे थे। कारखाना बंद होने से पहले उसे कुछ याद आया तो वो अकेला गोश्त को फ्रीज करने वाले हिस्से में गया, मगर गलती से दरवाजा बाहर से लॉक हो गया और वो अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। सब जा चुके थे, कोई मदद की उम्मीद भी ना थी। वो समझ गया था कि 2 या 3 घंटों बाद उसका बदन बर्फ बन जाएगा। उसे मौत सामने नजर आने लगी थी। वो रो रो कर दुआएं मांगने लगा, तौबा व इस्तिगफार करने लगा। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। इतने में अचानक सर्द खाने का दरवाजा खुला और एक शख्स भागता हुआ अंदर आया। वो चौकीदार था। चौकीदार उसे बाहर निकालकर गरम हीटर के पास ले आया। जब उसकी हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, तुम यहां कैसे आए? तुम्हें तो अंदर कोई काम नहीं होता। चौकीदार बोला, जनाब मुझे 20 साल हो चुके हैं इस कारखाने में काम करते हुए। हर रोज सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर्स कारखाने में आते जाते हैं, लेकिन आप उन चंद अफराद में से हैं जो जब भी कारखाने में दाखिल होते हैं तो मुझे मुस्कुराकर सलाम करते। निकलते हुए आपका सलाम और खुदा हाफिज करना मेरे सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। करें, मेरा दिल खुश हो जाता है। आज आपका सलाम तो सुना था लेकिन खुदा हाफिज नहीं सुना था। इसीलिए आपको तलाश करते करते यहां आया। यूं एक शख्स की सलाम दुआ जैसे छोटे से काम की वजह से जान बच गई, तो क्यों ना हम भी इस सुन्नत की आदत बनाएं। सवाब का सवाब भी और फायदे अलग।